बड़े स्क्रीन पर प्रदर्शन से पहले ही चर्चा और विवादों में आ चुकी फिल्म द केरला स्टोरी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई है फिल्म की रिलीज को रुकवाने के लिए, ये कहते हुए कि ये फिल्म एक समुदाय विशेष के बारे में नफरत फैलाती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच के सामने आज रखा गया। क्या हुआ इस मामले में और आगे क्या होने वाला है, इसी की बात लीगल विद सहगल के इस वीडियो में। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह, निर्देशक सुदीप्तो सेन और मुख्य अभिनेत्री अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी 5 मई को देश भर में रिलीज होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का विषय है केरल की 32,000 लड़कियों के बारे में जिन्हें कथित तौर पर लव जिहाद का शिकार बनाया गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया और बाद में उन्हें ISIS में भर्ती करा दिया गया, भारत के बाहर भेज दिया गया, यानी आतंकवादी गतिविधियों में उन्हें शामिल करा दिया गया। ये दावा इस फिल्म का है कि इसमें सच्ची कहानी दिखाई गई है केरल की एक नर्स की, खास तौर पे जिसके साथ ऐसा हुआ था। लेकिन फिल्म को लेकर लगातार विवाद भी छिड़ा हुआ है, जहां पर कि ऐसा कहा जा रहा है, खासतौर पे केरल सरकार ने भी कहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा है कि केरल का चित्रण गलत तरीके से किया जा रहा है और फिल्म में तथ्यात्मक गलतियाँ हैं। और भी तमाम लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि एक समुदाय विशेष के बारे में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। वहीं फिल्म का जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसे 16 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने अब तक यूट्यूब पर देख लिया है। इस फिल्म की रिलीज को रुकवाने के लिए पत्रकार कुर्बान अली ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी याचिका को जस्टिस KM जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और वकील निजाम पाशा ने। इस बेंच के सामने यह मामला इसलिए रखा गया क्योंकि हेट स्पीच यानी नफरत फैलाने वाले बयानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की यही बेंच सुनवाई कर रही है। ऐसे में कपिल सिब्बल ने जस्टिस KM जोसेफ से मांग की कि इस याचिका को लंबित मामले में एक आवेदन की तरह देखा जाए और उस पर तुरंत सुनवाई हो। लेकिन जस्टिस KM जोसेफ और उनके साथ बेंच में बैठी जस्टिस BV नागरत्ना इस बात से सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि इस तरीके से सीधे हमारी बेंच के सामने मामला रखा नहीं जा सकता है। जस्टिस KM जोसेफ ने यह भी कहा कि फिल्म को CBFC ने यानी सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफाई किया है, प्रमाणित किया है। ऐसे में आपको उस प्रमाण पत्र को चुनौती देनी होगी अगर आप फिल्म की रिलीज रुकवाना चाहते हैं और उसके लिए याचिका हाई कोर्ट में दाखिल होती है। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि शुक्रवार को फिल्म रिलीज होने जा रही है, हमारे पास अधिक समय नहीं है, इसलिए हम सीधे आपके पास आए हैं। इस पर जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि कोई भी विषय सीधे सुप्रीम कोर्ट में आकर नहीं रखा जा सकता है। जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि हम जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, हमने भी TV पर इस फिल्म के ट्रेलर को देखा है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि किसी लंबित मामले के साथ हम ही इस मामले को लगा दें और सुन लें। आपको चीफ जस्टिस के पास जाना चाहिए था। अगर आप हाईकोर्ट में नहीं भी जा सकते हैं तो कम से कम आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ये बात रखनी चाहिए थी, उनसे अनुरोध करना चाहिए था कि मामले को तुरंत सुना जाए। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा, वैसे तो हमारे पास समय की कमी है लेकिन हम समझ रहे हैं कोर्ट जो कहना चाहती है और हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, यानी याचिका में संशोधन करेंगे। इसे IA यानी लंबित याचिका में आवेदन की तरह देखने की बजाय एक रिट पिटीशन की तरह यानी नई याचिका की तरह आज ही दाखिल करेंगे और कल चीफ जस्टिस के सामने यानी बुधवार को चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे और सुनवाई का अनुरोध करेंगे। इस पर जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा, ठीक है, आप
जो करना चाहते हैं आप जरूर कर सकते हैं, पर हम सुनवाई नहीं करेंगे। यानी द केरला स्टोरी फिल्म का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, रिलीज रोकने की मांग है सुप्रीम कोर्ट की। जिस बेंच के सामने याचिकाकर्ता कुर्बान अली के वकील आज गए थे, उसने सुनवाई से मना कर दिया, कहा कि हम सीधे सुनवाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता पक्ष कल यानी बुधवार को चीफ जस्टिस के सामने मामला रखेगा और उनसे सुनवाई का अनुरोध करेगा। प्रमुख मांग यही है याचिका में कि इस फिल्म की रिलीज को रोक दिया जाए।